वेलकम टू यू देनो। आज वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ कि मैंने अभी तक जितनी भी रिसर्च की थी लॉर्ड्स मोबाइल पर वो सारी इंग्लिश में या फॉरेन लैंग्वेजेस में थी, लेकिन आज एक पहला चैनल लॉर्ड्स मोबाइल हिंदी गाइड आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको लॉर्ड्स मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हर सारी इन्फॉर्मेशन और ये प्योर हिंदी के अंदर होगी, सारी इन्फॉर्मेशन बीच में इंग्लिश में हो सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से हिंदी में देने की। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम अमित मित्तल, किंगडम नंबर 7, IGGD। मैं आप मेरे यूट्यूब के इंट्रोडक्शन मेरी IGGD देख सकते हो, और मैं प्योर इंडियन हूँ और ये इंडियन के लिए स्पेशली चैनल है। इसका फायदा फोन भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो प्योर हिंदी में दी जाएगी। और मेरे जितनी मेरी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग शायद ये फर्स्ट चैनल होगा यूट्यूब पे लॉर्ड्स मोबाइल का जो कि हिंदी के अंदर है। तो ये मुझे इसकी जब मैं लॉर्ड्स मोबाइल मैंने पिछले 3 सालों से गेम को खेल रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा जरूरत पड़ी थी एक गाइड की। लॉर्ड्स मोबाइल एक बहुत ही ज्यादा फेमस गेम है और उसको आगे जाने के लिए उसमें आगे जाने के लिए गाइड की काफी कहीं टाइम जरूरी होती है। जैसे अभी फेमिलियर स्टार्ट हुआ है और शुरुआत में काफी बातें की गई है फिल्म में ये करेगा फिमिलर वो करेगा, लेकिन फिमिलर की असलियत अभी भी आधे से ज्यादा किंगडम्स को नहीं पता है क्या है फिमिलर, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डालूंगा उस पर वीडियो। तो धीरे धीरे करकर आपके पास लॉर्ड्स मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और यदि आप मेरे साथ लॉर्ड्स मोबाइल में आगे चलना चाहते हैं, यदि आप लॉर्ड्स मोबाइल को पहले से ही खेल रहे हैं और काफी बड़े हैं, तब भी ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड्स मोबाइल के अंदर जो भी नया आएगा जैसा भी नया आएगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर उस पर एक वीडियो बना दूंगा, वरना लॉर्ड्स मोबाइल के जितने भी अपडेट हैं वो इस चैनल पर आएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप हमारा साथ देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक करिए, जिससे मुझे लगे हाँ मेरे वीडियोस को कोई देख रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, तो मैं और वीडियोस डालता रहूंगा लगातार। तो पहले मैं लॉर्ड्स मोबाइल, क्योंकि जिन्हें पहले से खेलते हैं उनको तो पता ही है, जिनको नहीं खेलते मैं बता देता हूँ कि लॉर्ड्स मोबाइल है क्या। लॉर्ड्स मोबाइल एक IGG ऑथर के द्वारा लॉन्च गेम है और जिनका ऑनर है वो चाइनीज है, जिसे शायद कहीं ना कहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज वालों को फायदा मिलता है। उनके लिए एक अलग से इवेंट चलते हैं जो इंडियंस या बाकी कंट्रीज को नहीं दिए जाते, ऐसा जिसके कारण हम चाइनीज थोड़े आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हम अभी टेक्निक से आगे बढ़े तो हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, जिससे मैं पहली बता एक और इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ दे देता हूँ कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अभी से 6-7 महीने बाद यदि आपका साथ रहता है तो हम इंडियंस एक किंगडम नंबर 188 या जो भी उस टाइम किंगडम पॉपुलर होगा उस किंगडम में जाकर हम अपना एक इंडियंस का स्ट्रॉन्ग गिल्ड बनाएंगे। ये अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमारे साथ जैसे जैसे जुड़ते रहते हैं हम उनको एक रोल नंबर प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी यूनिक रोल नंबर। हर प्लेयर का एक यूनिक रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर उनको मिल जाएगा जिसके जरिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और फिर 6 महीने बाद तक जब हमारे पास प्लेयर्स हो जाएंगे, अच्छे खासे प्लेयर्स हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग गिल्ड बनाने तैयार हो जाएगी हमारे पास, तब एकदम से हम स्ट्रॉन्ग गिल्ड बना देंगे। और फिर क्योंकि ये काम जरूरी नहीं है कि जो पहले से खेलते हो वही ये काम कर सकते हैं, अभी से जो स्टार्ट करेंगे गेम को मेरे मुताबिक चलिए आप भी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और उसके बाद आप भी हमारे क्रिकेट के अंदर शामिल हो पाएंगे और फिर सीधा हम चाइनीज के टक्कर के होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि लॉर्ड्स मोबाइल एक IGG द्वारा लॉन्च गेम है जिसका ऑनर चाइनीज है, जैसे कि मैंने बताया भी था, और ये एक मल्टीप्लेयर गेम है और अभी प्ले स्टोर में 2016 के बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम का अवार्ड मिला है लॉर्ड्स मोबाइल को। तो ये वैसे भी बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, मेरी तरफ से भी बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम होगी। वैसे तो एक और गेम है स्पेशल फोर्स ग्रुप 2 भी है, मिली मिलिशिया भी है, ये सारे मल्टीप्लेयर गेम है, बट लॉर्ड्स मोबाइल के टक्कर की नहीं है। लॉर्ड्स मोबाइल काफी ज्यादा ऊंची है, लॉर्ड्स मोबाइल का लेवल ये है तो उनका लेवल नीचे है। लॉर्ड्स मोबाइल बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम है जैसा कि उसे अवार्ड भी मिला है। लॉर्ड्स मोबाइल अभी तो शायद 252 या 253 MB की हो चुकी है लॉर्ड्स मोबाइल, और जैसे जैसे क्योंकि इसके जो ऑनर है वो सच में अपने कस्टमर्स को अपने प्लेयर्स को खिलाने के लिए इस गेम को बनाता है हर अपडेट
लॉर्ड्स माइल को मद्देनजर रख कर किया जाता है, जिसका कंपेंसेशन भी हमें मिलता है, हमें इंतजार करना पड़ता है। तो ये बेस्ट गेम है इन सभी के कारण, लेकिन दैट इज बेस्ट गेम। और भी बात करें कि लॉर्ड्स मोबाइल में आपको एक कैंप बनाना पड़ता है अपना, सॉरी अपना एक बेस बनाना पड़ता है। मैं बता देता हूँ लॉर्ड्स मोबाइल जिनको पता है वो तो ठीक है, जो नए हैं आएंगे मेरे वीडियोस को देखेंगे फिर लॉर्ड्स मोबाइल डाउनलोड करेंगे, तो मैं कहना बता देता हूँ कि उनको अपना एक बेस बनाना पड़ता है और उस बेस को उन्हें मजबूत करना पड़ता है। जो यानी आप जैसे लॉर्ड्स मोबाइल डाउनलोड करते हैं आप अपने आप को एक लॉर्ड समझ लीजिए, एक किंग समझ लीजिए, और जो भी एक किंग के अंदर जितनी भी पावर होती है वो पावर आप में है इस किंग के अंदर। आपको अपने ही किंगडम के अंदर इन्फेंट्रीज बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, अपने आर्मी को ट्रेन करने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए बनाने हैं, जिसमें आपको अलग अलग T1, T2, T3, T4 ट्रूप ट्रेन कर सकते हैं, जहां पर T1 कम शक्तिशाली, T2 ज्यादा शक्तिशाली होगा। और आप साथ में आपको माइंस बनाने हैं, फूड रिसोर्सेज बनाने हैं, सबका फूड प्रोडक्शन हो सके, और बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं धीरे धीरे करके आपको दूंगा। आप जब से गेम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 3 साल पहले से गेम खेलना स्टार्ट करा है, और अभी फिलहाल मैं किंगडम नंबर 7 के अंदर हूँ। किंगडम नंबर 7 के अंदर हूँ अभी मैं, अपने अपनी के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा अपने किंगडम के बारे में, लेकिन जैसे जैसे हमारी बात आगे चलेगी मैं आपको अपने किंगडम में भी लेके जाऊंगा, और जब हम गिल्ड बनाएंगे तो वो वाला किंगडम भी किंगडम नंबर 188 के अंदर, क्रूविया किंगडम है उसके अंदर आएगा। अभी फिलहाल तो मैंने ये सोचा कि हम 188 किंगडम क्रूविया के अंदर गिल्ड बनाएंगे, लेकिन बाद में यदि कोई और अच्छा गिल्ड लगता है हमें तो हम वहां पर ही बनाएंगे। 188 किंगडम बेस्ट किंगडम है इन सब के, वैसे 200 भी अच्छा है, क्योंकि 200 तक ही हम माइग्रेशन कर सकते हैं, उससे आगे तो हम माइग्रेशन ही नहीं कर सकते, वहां पे माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड है 200 से शायद आगे, या 200 सॉरी 200 से नहीं 190 से आगे माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे हम माइग्रेट कर ही नहीं सकते हैं। तो 188 किंगडम क्रूविया किंगडम अच्छा है, वरना किंगडम नंबर 7 मैं ये नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम है, और वहां पर हम एकदम से गिल्ड बना भी लेंगे तो फिर हम ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो 188 किंगडम डेवलपमेंट के आधार पर और बेस पर कब्जा करने के आधार पर काफी अच्छा किंगडम है, वहां पर अपनी गिल्ड बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा चीज सब लेंगे, तब तक हम आपको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था लॉर्ड्स माइल में अपना एक बेस बनाना पड़ेगा जिसपे आपको मजबूत करना पड़ेगा, साथ साथ इसमें एक और आपको एक गिल्ड अपनी बना सकते हो या गिल्ड ज्वाइन भी कर सकते हो किसी और की। यानी कि गिल्ड का मतलब ये है कि आप यदि एक गिल्ड बनाते हैं या आप किसी और की गिल्ड ज्वाइन करते हैं तो वो सारे के सारे में आप किसी भी तरह का सपोर्ट, किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हो, उनके जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिसर्च का काम चल रहा है, उसमें हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे को रेनफोर्समेंट भेज सकते हो, या वो काम हर कोई कर सकता है कि वो आपके दोस्त है और उसे किसी भी तरीके से मदद कर सकते हो, उस पर होने वाले अटैक भी बचा सकते हो। इसके अंदर आप किसी और की गिल्ड या किसी और के मेंबर पर अटैक करने की फुली फ्रीडम रखते हो। ये बात कि आप किसी और के किंगडम पर फुल अटैक कर सकते हो, यदि आप चाहो तो किसी और के किंगडम पे अटैक कर सकते हो, कंजिटेटिव अटैक भी कर सकते हो, किसी और के लीडर को कैप्चर कर सकते हो, जो लीडर है, जो किंग है, जो लॉर्ड है, उसको कैप्चर कर सकते हो और उसे मार भी सकते हो। उसके मारने पर वो हीरो उसके पास नहीं रहेगा, सर टाइम टू टाइम आपको नए नए हीरोज इसके अंदर लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जितने ज्यादा हीरोज, मैक्सिमम 5 हीरोज ही किसी भी कॉलिज्म बैटल या कोई बैटल के अंदर आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप बहुत सारे हीरो ले सकते हो। इसके अंदर पेड हीरोज और नॉन पेड हीरोज दोनों ही शामिल है, आपका ऐसी कैसल वॉल भी आपकी पेड भी है, नॉन पेड भी है, मैक्सिमम नॉन पेड ही यूज करेंगे, पेड तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन चाइनीज क्योंकि मैंने बताया उनके लिए अलग से इवेंट चलते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगली वीडियो, अगली मतलब बहुत वीडियोस में दूंगा कि चाइनीज क्यों सक्सेसफुल है। वैसे तो लॉर्ड्स मोबाइल एक शानदार गेम है यदि हम चाइनीज लोग और हैक्ड लोगों को छोड़ दे दो, लेकिन आप भी स्ट्रांग बनोगे, उनसे ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, वो हैक्ड हैं, उनके अकाउंट बैन हो जाएगा, बैन हो सकता होता है, कई बार होता है, वो फिर भी उनसे जाने की यदि आपकी माइट एक और वहां पे क्वांटिटी जुड़ी है, माइट ये बताती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आपकी माइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही दूसरे प्लेयर आप पे अटैक करने से डरेगा या उतनी आप पर कम अटैक होंगे, लेकिन यदि आपकी माइट कम है तो एवरीवन प्लेयर अटैक ऑन यू, बिकॉज ये गेम ही अटैक डिफेंस की है।
बहुत शानदार गेम है, 3 साल से खेल रहा हूँ बिना बोर हुए। वैसे ये गेम एक बार अपने फोन में आ गई तो फिर इस गेम को डाउनलोड करने के बाद 24 घंटे आपको अपनी गेम पे ध्यान देना पड़ेगा। जरूरी है 24 घंटे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप एक दिन 1 घंटा इस्तेमाल करके छोड़ दो, बात वही सेम है। लेकिन यदि आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो 24 आवर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कैसे ध्यान देना पड़ेगा, मैं आने वाली हर वीडियोस में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। 1 वीक में आपको एक वीडियो तो पक्का मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आप जैसे ही आप गेम को डाउनलोड करोगे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कैसे खेलना। उस इंस्ट्रक्शन को प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, बिना पढ़े आगे मत बढ़ना, कि वो इंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे। वैसे जब आप अपने गेम डाउनलोड करते आपको समझ नहीं आएगी, आप जो बोलते हैं वो करते जाइए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आपको रेट करना है या गेम आपको खुद पर सकती रहेगी, उसके भरोसे चलते रहिए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको गेम समझ में आएगी, 8 कैसे लेवल 9 कैसे लेवल पहुंच जाओगे, आपको गेम कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी। और जैसे जैसे और आगे जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। लेकिन मैं एक और बात बता देता हूँ, आपको कैसे लेवल बढ़ाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी माइंड बढ़ाने की तरफ ध्यान देना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेवल बढ़ाना ज्यादा अच्छा है, माइंड बढ़ाना अच्छा है, कैसे माइंड बढ़ाए, कैसे ग्रोथ बढ़ाए, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैंने एक वीडियो, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, बीएससी स्टूडेंट फिजिक्स हूँ, मैं हर वीडियो तो नहीं डाल पाऊंगा, बट एक वीक में एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो भी वीडियो होगी मैक्सिमम हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर से ये एक नया प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्ट किया है, मैं हूँ अमित मित्तल, आईसीसी आईडी मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हर मेरे ऑप्शन जो होते हैं वहां पर जाकर देख सकते हैं। किंगडम नंबर 7 में मेरा किंगडम है, इंग्लिश गिल्ड है, वेलकम। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आपकी माइट 50 मिलियन से ऊपर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ अपनी किसी की, बट दैट्स सफिशिएंट, क्योंकि हम अपनी ही गिल्ड बनाएंगे। यदि आप हमारी गिल्ड बनाना चाहते हैं तो ये 6 महीने की बात है, 6 महीने एक बात बनाएंगे तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दें। जल्दी हम व्हाट्सएप लिंक लेकर आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक आईडी दी जाएगी, उस आईडी को अपने व्हाट्सएप का जो नेम ऑप्शन होता है वहां पर वो नेम डाल, नेम अपना नाम डालिए, आप डालना चाहते हैं तो अपना नाम डालिए, उससे पहले वो रोल नंबर अपना डाल दीजिए। जैसे कि यदि आपका रोल नंबर 24 है 24-, अपना नाम जो भी डालना डाल सकते हो, लेकिन वो रोल नंबर प्लीज, क्योंकि जब आप मैसेज करेंगे उससे तो हमें क्लियर हो जाएगी दैट योर रोल नंबर विल बी कॉन्टेक्ट विद मी। 100 प्लेयर्स, जैसे स्ट्रॉन्ग 100 प्लेयर्स की गिल्ड हमारे पास क्लियर हो जाएगी, हम एकदम से 188 किंगडम नंबर जाएंगे सारे और एक स्ट्रॉन्ग गिल्ड एकदम से प्रोड्यूस कर देंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन जो हमारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, कि अभी हमने 6 मंथ का टाइम दिया, 6-7 मंथ का टाइम दिया है आपको, तो माइग्रेशन स्क्रॉल जरूर एक नए खरीद लें, क्योंकि एक परमिशन माइग्रेशन स्क्रॉल में बताता हूँ, ये एक परमिशन होती है जिससे आप 1 किंगडम टू अदर किंगडम में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी एक माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड नाम का भी ऑप्शन रखे कि आप सभी किंगडम में माइग्रेशन नहीं कर सकती हो। बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स है, छोटे छोटे किंगडम है जहां पर माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड लॉर्ड्स मोबाइल ले दिया है, जिससे कोई बड़ा आकर उन्हें खत्म ना कर सके और वो अपनी गेम सुचारू रूप से खेल सके। माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड इसी वजह से दिया गया है, लॉर्ड्स में तो अच्छा ऑप्शन है माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि जो भी न्यू प्लेयर्स आते हैं वो उसी माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर आते हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो उन पर यदि वो सीधा 7 किंगडम 8 किंगडम में आ जाए तो उनको उनको डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो आप यदि आप 223 इन किंगडम्स के अंदर आते हैं तो आपको माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे कोई और आकर आप पे अटैक नहीं कर सकता, तो वहां पर सारे ही न्यू डेवलपर्स होते हैं, न्यू प्लेयर्स होते हैं, जिससे कि आप वहां पर डेवलप हो सकते हैं। और डेवलप कैसे होना है मैं आपको ये बताऊंगा, पहले आप खुद समझिए, 1 वीक तक आप डाउनलोड कीजिए वो, फिर खुद समझिए 1 वीक तक, 1 वीक बाद अगली वीडियो आएगी मेरी, या क्या पता हाल ही में आ जाए। मैं आपको मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बॉक्स को दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन बॉक्स में आपकी मैसेज आ जाएगा कि मेरी वीडियो आई है, क्या टॉपिक है। और अगला टॉपिक भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं टॉपिक ही बताऊंगा, क्योंकि जो भी अगला टॉपिक आएगा वो सिर्फ न्यू प्लेयर्स के लिए ही होगा, क्योंकि मैं वहां पर लॉर्ड्स मोबाइल का फुल इंट्रोडक्शन दूंगा।
अभी बस ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि लॉर्ड्स मोबाइल क्या गेम है और हम क्या प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। तो प्लीज यदि आप इस यहाँ पर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, तो मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी रखूंगा। मुझे पता लगेगा कि हाँ मेरे ऑडियंस मेरे साथ जुड़ चुकी है, और ये ऑडियंस जुड़ चुकी है मेरे साथ, तो एक वीडियो तो मैं डालूंगा यदि अब, क्योंकि अब मैं इंतजार करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जुड़े, क्योंकि एक जब चैनल बनता है ना यूट्यूब पे, हालांकि मेरा पहले से एक चैनल है जिसका मैं जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन जब एक चैनल बनता है ना यूट्यूब पे तब सारे लोग नहीं जुड़ते, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर और वीडियो चलती है और चैनल उसके साथ जुड़ते हैं और ज्यादा ऑडियंस जुड़ते हैं। लेकिन एक बार चैनल बनने के बाद 50 साल वीडियो बन जाती है, इतना पसंद हो जाती है, तब वो कोई सारी वीडियो नहीं देख पाता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पहले एक साथ सारी ऑडियंस जुड़े और फिर मैं एक वीडियो डालूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले और सारे मेरे साथ चले, कोई मेरे से पीछे ना चले। तो इसको करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन पे क्लिक, और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, रिप्लाई मैं पक्का करूंगा। कोई आप चाहते हो कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या तो मैं उसके लिए भी एक बड़ा सा टॉपिक होगा कागज से वीडियो बना दूंगा, और छोटे से होगा तो मैं अगली वीडियो के अंदर इसे मैच कर दूंगा, और यदि कुछ ऐसा हो कि मैं वहीं पर उसे समझा सकता हूँ तो मैं वहीं पर समझा दूंगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।